दोस्तों, मैं रंगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रंगी। दोस्तों, 2 या 3 तारीख को मोहन जिला के ऊपर जो मर्डर हुआ था, उसी के मामले में कुछ ग्रामीण इकट्ठे होकर आज SP महोदय भिवाड़ी से मिले हैं। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि वो जो पुलिस की कार्रवाई थी SHO वाली, उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए आज उन्होंने SP महोदय से मुलाकात की और SP महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। हम पवानीखेड़ा के जवान निवासी हैं जी, और आज से 2 तारीख के करीब या 3 तारीख के करीब ऐसा हुआ है कि 2 तारीख को लड़का अपने काम से करनाल गया हुआ था। करनाल जाने के बाद वो अपना काम धंधा पूरा करके घर आ रहा था, तो आने के बाद क्या हुआ जी कि वो लड़का जी से उसका 2 बजे तक फ़ोन मिला, उसके बाद वो फ़ोन नहीं मिला। इसके कारण घरवाले ने फ़ोन किया तो वो उसका फ़ोन बंद मिला, इसलिए उन्होंने अपने सारे रात, यानी कि दिन के टाइम की बात है ये, 2 बजे की, उस टाइम तो 2 तारीख की बात है, तो शाम को वो लड़का, मतलब इन्होंने घर वालों ने फ़ोन मिलाया, फ़ोन उसका बंद था। उसके बाद इन्होंने सारा माले दुआ टाई करी, मतलब खोजबीन करी। उसमें क्या हुआ कि खोजबीन में वो पूरी रात नहीं मिला, और पूरी रात नहीं मिलने के कारण सुबह किसी एक मोनू जो सोना मनोहर लाल के नाम से जो है हजारी का, जो सुरेश ओड़ का भाई है, उसने ये बताया कि आपका जो मान लो राधे श्याम लड़का है वो पुर रोड की तरफ वहाँ पे मिलेगा, और वो खुद मौजूद साथ में गया। इसके बाद उनके परिवार वाले सारे इकट्ठा होके वो लेके आए उसको बॉडी को। बॉडी के ले जाने के बाद क्या हुआ कि सारों ने थाने वाली पूरा गांव राम इकट्ठा हुआ, समाज इकट्ठा हुआ। उन्होंने SHO साहब ने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके दूंगा। SHO उसने 24 घंटे, इन्होंने आश्वासन के बाद अपना 24 घंटे निकाल लिए, और SHO साहब ने कुछ नहीं किया, खाली एक आत्महत्या केस बढ़ा के छोड़ दिया उसको, जबकि ये 302 केस है। तो अब आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? आज आप SP महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया और क्या आप आगे कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जी, जैसा मतलब किसी ने भी कैसे भी किया, मान लो चाहे मोनू हो चाहे कोई भी हो, पूरा गांव पूरा समाज ये चाहता है कि पूरा क्लियर ये पता लगे कि कौन आदमी है जिसने ऐसा गंदा कर्म किया है, और SHO साहब से कोई हम संतुष्टि नहीं है हमारी, इसलिए हम SP साहब से मिलने के लिए आए थे। आप दोबारा तफ्तीश चाहते हैं इस केस की? दोबारा अच्छी तरह तफ्तीश चाहते हैं, और निरोड़ चाहते हैं कि पानी का पानी और दूध का दूध अलग हो जाए। जबकि SHO साहब ने ये कहा था अगर 2 दिन में मैं कार्रवाई नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन दे दूंगा, उसने रिजाइन तो दिया नहीं पर आत्महत्या पक्की बढ़ा दी थी, तो इसलिए हम SHO साहब से संतुष्ट नहीं है। हमारी माले गरीब आदमी, इनके पिताजी आँखों से मतलब बहुत ही अंधे है, और ये लड़का बहुत ही शरीफ था, पूरा गांव ये कहता है कि ना ये बीड़ी पीता था ना ये शराब पीता था, और पूरा गांव में अगर कोई बोल भी दे उस बात की भी हम जिम्मेवार हैं। अब SP साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? SP साहब ने ये कहा है कि हमें इसकी तस्दीक दोबारा की जाएगी, अब हमें इन पहले SHO पे आश्वासन था, अब हमारे SP साहब पे आश्वासन है, अब देखो SP साहब करते क्या। कोई टाइम अल्टीमेटम दिया है कुछ? अल्टीमेटम तो नहीं दिया जी, बाकी देखते हैं इंक्वायरी कितने दिन में। आज आप भिवाणी SP महोदय से मिले हैं, किस मैटर में मिले और SP साहब ने क्या आश्वासन दिया है? ऐसे जी, पवानीखेड़े का मैटर है ये, थाना पवानीखेड़े से। पवानीखेड़े से मोनू मनोहर लड़का है जो, वो जींद से लड़के को साथ में लाया है, उसको रास्ते के अंदर मार दिया गया है, मार के रास्ते में पवानीखेड़ा ले आ गए, एक खेतों में एक मकान था उसके अंदर डाल दिया गया। पहले 307 लगाई थी, 302 लगाने के बाद के अंदर उन्होंने 306 पे मुकदमा दर्ज कर दिया जी, जो कि सब फोटोज के अंदर उसकी गाड़ी आ रही है, और जो रास्ते के अंदर बैरियल था वहाँ पर उसका फ़ोटो भी है, और वो लड़का भी साथ में है उसके, और फिर आगे तुम्हारा पूर्वाएँ हैं पूर्व भी उसके अंदर गाड़ी के अंदर है, वहाँ भी फोटो जी निकाल ली है हमने। बाकी पुलिस वाले गए हुए हैं आज, 8 तारीख हो गई आज सर, 9 तारीख हो गई, 9 तारीख को आज गए हैं वो फोटो जी लेने के लिए, नया फोटो जी लिए, नया कोई इंक्वायरी करी, 306 के बना के और उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है, ताकि सरासर गलत है। तो आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, दोबारा कार्रवाई चाहते हैं? दोबारा तफ्तीश करवाना चाहते हैं? दोबारा करवाना चाहते हैं जी, तफ्तीश होनी चाहिए, और गरीब आदमी है और कोई सहारा नहीं है, और वो जो उसकी घरवाली थी
जो मरे है डेथ हुई है जिसकी, उसकी पूरी नजर रख सकता है उसी के पिताजी है जी, हम दा है जी, इसको दिखाई नहीं दे रहा पिताजी, कमाने वाला घर में वही लड़का था और कोई नहीं था दूसरा, ये तो प्रॉब्लम है। और ये जो उसकी घरवाली थी ठेकेदार है, इसके पास काम कराया करती, उसके चक्कर के अंदर इस लड़के को मारा गया है। उसकी घरवाली के बयान ले लो आप, किधर कृष्णा गए के नाम तेरा ये। हाँ जी, क्या कुछ हुआ है सारा मैटर? कैसे मार दिया जी मेरा आदमी, क्या क्यों मारा जी उसने? जो भी कोई बात थी, कोई पैसे का था, कुछ भी था लेन देन, तो हमारे घर पे आके करता जी वो, तो मेरा आदमी क्यों मारा जी उसने? काम करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। तो आप अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? एसपी महोदय से आप मिले हैं, तो एसपी साहब ने क्या जवाब दिया? क्या आप आगे कार्रवाई करवाना चाहते हैं? भाई दोबारा तफ्तीश चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी, हमने कार्रवाई करो जी, मेरी इंसाफ चाहिए जी, हमने जी जी काम करने कर रही है, मजदूरी करे करती, और मेरा लड़का की बुरी नज़र मेरी बहू पे डालने लग गया, तो फिर हमने पता चला, तो हमने फिर उसका आदमी इकट्ठे करके वो करा, फिर उसके बाद मेरे बेटे के मेरे ने कैसे मार डाला उसने। पहले किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ हो? झगड़ा कोई नहीं था जी, मारा दारू ना, बीड़ी का बैल था उसके अंदर, ना मेरा बच्चा बीड़ी पीवे था, ना मेरा बच्चा शराब पीवे था, पूरे गांव में इनकारी करी जा, वाले भी ये कह रहे हैं भाई गऊ मारी गई है, पूरा गांव में कोई बैल नहीं था मेरे बच्चे में, जींद से उठा कर लाया, जींद काम कर रहा था, करनाल काम करे था जींद, वो घर आवे था रस्ते में उठा लिया, घर आवे था जी वो, अरे उसने फिर जींद से उठा कर आपकी उसकी औकात है मुंडाड़ तक की, और अब गया रहा मेरा लड़का गाड़ी में गिर के पूरे तक बताओ, अरे उसी ने जगह बताई, मारने वाले ने ये बोला तुम्हारा लड़का वहाँ से है, मैं दिखा पाऊँ, उसको कहीं नहीं मिला, सुबह तक टोते रहे, सुबह सारी रात टोया, 9 बजे फोन करके बताया तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा उठाना, फिर वो साथ गया मोटरसाइकिल पे, वो जगह बताता ही उल्टा बाजी आया, बताओ कैसे चोर को नहीं, वो धमकी देता है, मेरा एक देवर है, मेरा एक बेटा है बोला, उनको भी नुका मार डालूंगा, पैसा बहुत ले रहा हूँ, वो पैसे आला है उसका भाई, कह कोई बात नहीं कर दिया तो हमने कितने करता है, एक साजिश के भाई ने खैरडी भी करा था किसी का, वहाँ से भी वो छुटा कर लाया, सुरेश मनोहर से हत्या करवाई मेरे बेटे किसने, उसने पैसे की दवा और बता रहे पार्टी के रूम में पैसे को जारी करने वाले मेरे बच्चे मरवा दिया सुरेश ने, मुंडे है जी पूरा काम करो, तो मैं पैसे भर भी मेरे सरकार भी नहीं मेरी देता जी, सारा कुछ देता है सरकार भी मेरी नहीं है, भाई इतना नहीं होना चाहिए मेरे लड़के का, फंसी टूटना चाहिए अच्छा। Vamos a ver.